हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रभात अग्रवाल एंड आई एम बैक विथ माय सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ ग्राफ्स। अगर आपको याद हो, हमने ग्राफ्स के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है और आपने देखा भी होगा। उस लेक्चर में हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की थी कि ग्राफ्स को आखिर समझा कैसे जाता है। आज मैं आपको थोड़ा सा उस लेक्चर को शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा और साथ ही साथ आपको आज दूसरी बात सिखाऊंगा कि ग्राफ्स को बनाना कैसे होता है अपने आप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यह देखा कि ग्राफ्स को समझना कैसे होता है। एक बार शॉर्ट में जरा उसको रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यह देखा कि किसी भी ग्राफ में हमेशा दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस जो कि ये हॉरिजॉन्टल वाला है और एक आपका वाई एक्सेस जो कि ये वर्टिकल वाला है। हम लोगों ने यह भी देखा साथ में कि इन दोनों एक्सेस के ऊपर हमेशा दो दो साइड्स होती हैं, जैसे कि एक्स एक्सेस पे दो साइड्स होती हैं, एक आपकी लेफ्ट और एक आपकी राइट। ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और वाई एक्सेस पे भी दो साइड्स होती हैं, लेकिन यहां लेफ्ट राइट तो हो नहीं सकता, यहां होता है टॉप एंड बॉटम, अप एंड डाउन, अबव एंड बिलो, ऊपर नीचे, चाहे जैसे आप समझ लीजिए। अब मैंने लॉजिक आपको यह बताया था, अगर कभी भी कोई कर्व लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इट विल ऑलवेज इंडिकेट प्लस, यानी जो भी एक्स एक्सिस पे दिया है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर यही कर्व राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो जो कुछ भी एक्स एक्सिस पे दिया है इसका मतलब वो डिक्रीज यानी कि घट रहा है। लेफ्ट से राइट गए तो प्लस हो गया और राइट से लेफ्ट गए माइनस हो गया। सेम उसी लॉजिक पे वाई एक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इट इज प्लस, यानी जो भी वाई एक्सेस पे दिया है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जो भी आपका वाई एक्सेस पे दिया है इसका मतलब वो लगातार घट रहा है। चलिए अब इस लॉजिक के ऊपर बेस्ड ग्राफ कैसे समझा जाता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन एक बार इस लेक्चर में शॉर्ट में उसको एक बार जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक ये ग्राफ बन करके आ गया, वाई एक्सेस पे प्राइस दिया हुआ है और एक्स एक्सेस पे डिमांड दिया हुआ है, और यहां पर ये डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डाउनवर्ड का मतलब हुआ कि ये कर्व यहां से शुरू हुआ और यहां पे एंड हो गया। मान लीजिए पॉइंट ए से शुरू हुआ, पॉइंट बी पे जाके एंड हो गया। ए का मतलब हमने शुरू यहां से किया और बी का मतलब एंड हमने यहां पे किया। हम यहां से यहां, ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम आए, यानी प्राइस हमारा क्या हो गया? घट गया। और डिमांड की बात करें तो ए वाला पॉइंट इसके सामने यानी यहां से शुरू हुआ, बी वाला पॉइंट इसके सामने यहां पे एंड हुआ, यानी हम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की ओर गए, तो लेफ्ट से राइट का मतलब आप देख सकते हैं प्लस होता है, यानी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब यही कर्व अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर दें, मान लेते हैं कि यह हमारा डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब ये डिमांड कर्व अपर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अब हमने शुरू यहां बॉटम से किया और एंड यहां टॉप पे किया, तो बॉटम से टॉप, अब इसका मतलब प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। एंड व्हाट अबाउट द डिमांड? हम यहां से यहां गए, यानी कि ये राइट से किधर की ओर गए? लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आने का मतलब माइनस, तो डिमांड क्या हो गई? तो इस तरीके से तो ग्राफ को समझने का काम किया हम लोगों ने। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे
कि ग्राफ्स को अगर हमें बनाना पड़ जाए तो ग्राफ्स को बनाया कैसे जाएगा। अमूमन होता यह है स्कूल में या अलग अलग लेवल में यही बताया जाता है कि ग्राफ बनाने के लिए पहले आप जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसकी जो टेबल दी है उसको आप पढ़िए, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, फिर जाकर के आप ग्राफ बना पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन जो तरीका मैं आपको ग्राफ बनाने का बताऊंगा उसमें आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लॉजिक अपने दिमाग में रखना है और उस लॉजिक के बेसिस पे आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे ग्राफ तुरंत के तुरंत बना लेंगे। देखते हैं वो लॉजिक क्या है और कैसे करना है, ध्यान देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें हमें दिखाना है कि प्राइस और डिमांड ये दोनों बढ़ रहे हैं। ये लॉजिक है हमारा, बस ये लॉजिक आपको दिमाग में होना चाहिए। प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को शो कर दिया और एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड को शो कर दिया। अब हमें एक ऐसा कर्व बनाना है जिसमें प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ता हुआ नजर आए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं इन लॉजिक्स के बेसिस पे कि y एक्सिस पे अगर बॉटम से टॉप जाते हैं तो उसको बढ़ा हुआ माना जाता है और x एक्सिस पे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसको भी बढ़ा हुआ माना जाता है। तो हमें एक ऐसा कर्व बनाना है जो बनने के बाद ऐसा हो जो प्राइस और डिमांड दोनों को बढ़ता हुआ नजर आए, देखते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर ये कर्व हम ऐसे बना दें तो क्या लगता है आपको, ये डिमांड कर्व सही बना है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, सर यहां पर डिमांड तो लेफ्ट से राइट बढ़ रही है लेकिन प्राइस सर ना टॉप जा रहा है ना बॉटम, ये तो कांस्टेंट है। एकदम सही आपने कहा, ये कर्व तो ऐसा नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा। तो फिर कैसा बनेगा ये कर्व? एनी गेसेस? सोचिए भाई, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ये कर्व ऐसा बनेगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ? हां सर कुछ कुछ सही लग रहा है। अब ये कुछ कुछ सही है या पूरा सही है देख लेते हैं एक बार। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हम यहां से यानी मान लीजिए पॉइंट ए से यहां पॉइंट बी की ओर गए और ए से बी जाने का मतलब क्या हुआ? ए यानी यहां से हमने शुरू किया और बी यानी यहां पे जाके एंड किया। ये बॉटम है, ये टॉप, तो हम कहां से कहां गए? हम बॉटम से टॉप की ओर गए और बॉटम से टॉप का मतलब प्लस होता है, तो प्राइस क्या हो गया भाई? बढ़ गया। व्हाट अबाउट द डिमांड? हम ए से बी गए, ए यानी यहां से शुरू किया यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया और बी यानी यहां पे आके एंड किया राइट हैंड साइड पे, हम लेफ्ट से राइट गए और लेफ्ट से राइट आप देख सकते हैं इसका मतलब भी क्या होता है? प्लस, यानी डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी सिर्फ इस लॉजिक के बेसिस पे हमने एक कर्व बनाया जो कि अपवर्ड बनाया और ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड। चलिए कोई और लॉजिक देखते हैं, कोई और ग्राफ देखते हैं। जरा मान लीजिए अब की बार हमारे सामने लॉजिक है प्राइस हमारा सेम रहेगा लेकिन डिमांड बढ़ेगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये। अगेन यहां पर प्राइस है, यहां पर डिमांड है, प्राइस सेम रखना है, डिमांड को बढ़ाना है। एनी गेसेस किस तरह से बनेगा ये? क्या इसको ऐसे वर्टिकल बना दें? वर्टिकल बनाएंगे तो क्या होगा? सर ऐसे में तो बॉटम से टॉप प्राइस ही बढ़ जाएगा। बात तो सही है भाई, ये तो ग्राफ गलत हो जाएगा। तो कैसे बनाएं भाई इसको? प्राइस सेम रखना है, डिमांड को बढ़ाना है। प्राइस सेम रखना है, डिमांड को बढ़ाना है, तो ऐसे बना देते हैं। चलिए देखते हैं जरा ये क्या बना है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी हम यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहे हैं
तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, आप ए से बी गए, ए पॉइंट भी यहीं पे है, बी पॉइंट भी यहीं पे है, ना प्राइस हमारा टॉप गया ना प्राइस हमारा बॉटम गया, प्राइस रिमेन द सेम, यानी प्राइस हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट। व्हाट अबाउट द डिमांड, डिमांड हमारी यहां से शुरू हुई और यहां पे गई लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट का मतलब प्लस होता है, तो डिमांड क्या हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इमेजिन करिए कि अगर यही कंडीशन होती, बस यहां पे चेंज कर देते कि प्राइस सेम रखना है और डिमांड को घटाना है, तो इस ग्राफ में क्या बदलाव होता, एनी गेसेस, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए अपना आप। ये जो कर्व हमारा इस तरीके से राइट साइड में जा रहा है, बस हमको एक बदलाव करना होता, ये डायरेक्शन हमको चेंज कर देना था। अब ये डिमांड कर्व यहां बी से ए की ओर आ रहा है, अब जब ये बी से ए आएगा तो आप देख सकते हैं प्राइस तो अपनी जगह कॉन्स्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये राइट से लेफ्ट आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, डिमांड विल बी डिक्रीज्ड। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं, मान लेते हैं हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें प्राइस और डिमांड दोनों घटता हुआ हमको दिखाना है। चलिए देखते हैं भाई किस तरीके से बनेगा वो ग्राफ। यहां पे प्राइस, यहां पे डिमांड। अब एक ऐसा कर्व बनाना है जिसमें प्राइस और डिमांड दोनों घटता हुआ नजर आए, कैसा बनेगा भाई, एनी गेसेस? ये बनेगा कुछ इस तरीके से, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए अपने आप क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब हमने शुरुआत यहां से किया पॉइंट ए से और एंड किया पॉइंट बी पे, तो ए से बी की ओर जब हम आ रहे हैं, यानी हम टॉप से बॉटम, हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, और टॉप से बॉटम का मतलब माइनस, यानी प्राइस हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। व्हाट अबाउट द डिमांड, डिमांड की अगर बात करें तो पॉइंट ए यानी यहां से हमने शुरू किया, बी यानी यहां पे एंड किया, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो हम कहां से कहां गए भाई, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, एनी गेसेस? हाँ, यस, हम लोग जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट जाने का मतलब क्या हुआ, माइनस, और माइनस का मतलब हो गया कि डिमांड इज डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से आपको सिर्फ लॉजिक्स को दिमाग में रखना है, ये जो लॉजिक्स आपके सामने आ रहे हैं इनको दिमाग में रखना है, और फिर ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, इस तरीके को कोरिलेट करके जब आप बनाएंगे तो ग्राफ अपने आप बनता चला जाएगा। चलिए कुछ होमवर्क भी देख लेते हैं, ठीक है, कुछ असाइनमेंट दे देते हैं, कुछ मैं आपको लॉजिक्स दूंगा और उम्मीद करूंगा कि उन लॉजिक्स के बेसिस पे आप ग्राफ खुद से बनाएंगे, और जब हम लोग डाउट डिस्कशन की लाइव क्लासेस करेंगे तो उसमें ये सारे डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा, अब होमवर्क के तौर पे, होमवर्क के तौर पे जो मैं आपको लॉजिक्स दे रहा हूं वो ये हैं। पहला है प्राइस डिमांड, इसमें प्राइस बढ़ गया डिमांड घट गई, ये लॉजिक आपको दिखाना है। दूसरा, प्राइस बढ़ गया डिमांड कांस्टेंट रह गई, ये दिखाना है। तीसरा, प्राइस घट गया डिमांड बढ़ गई, ये आपको दिखाना है। और चौथा, प्राइस एंड डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है डिमांड घट गया, आपको ये दिखाना है। तो ये चार अलग अलग टॉपिक्स लॉजिक्स मैंने आपको दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि इनके ग्राफ्स आप लोग खुद से बना करके रखेंगे। चलिए बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, थैंक यू।